दोस्तों, कोई भी इंसान जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, और वैसे ही जन्म से कोई अपराधी नहीं होता, और जो भी अपराधी बनते हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम और प्रशासन की कमियों की वजह से बनते हैं। पर दोस्तों, हम किसी अपराध को जस्टिफाई नहीं कर रहे, पर यही लोग आगे चलकर प्रशासन के लिए सिरदर्द बनते हैं। और दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही खूंखार अपराधी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने स्टेट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नाक में दम कर रखा था, जिसे पकड़ने में इनको एक दो साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल लग गए थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीरप्पन की, जिसका पूरा नाम कूजमुनि स्वामी बीरप्पन था। दोस्तों, इसका जन्म 18 जनवरी 1952 कर्नाटक में हुआ था, पर इसका पूरा परिवार तस्करी से पहले ही जुड़ा था, और इसीलिए इसको ये सब करने में कोई नया काम नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही देखता और करता रहा था। इसीलिए वो मात्र 10 साल की उम्र में इस धंधे में उतर चुका था। इसके बाद 17 साल की उम्र में इसने पहला मर्डर किया, जो वन विभाग का अधिकारी था। इस तरह चंदन की लकड़ी और हाथी के दांत की स्मगलिंग इसने खुलेआम शुरू कर दी। इसके रास्ते में जो भी आता ये उसको मार देता। दोस्तों, इसने अपने जीवन काल में लगभग 184 मर्डर किए। यही नहीं, इसने हाथी दांत की स्मगलिंग के लिए इतने हाथियों को मारा कि आसपास के जंगलों में हाथियों की कमी हो गई। वन विभाग की माने तो इसने लगभग 2000 से ज्यादा हाथियों को मार दिया था। इसके बाद इसने 1991 में एक आईएफएस अधिकारी को मार दिया, जो चंदन तस्करों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया था। दरअसल उसने बीरप्पन से संपर्क किया ताकि वो अपने हथियार डाल दे। इस अधिकारी का नाम श्रीनिवास था, और बीरप्पन भी इससे मिलने के लिए हाँ कर देता है। श्रीनिवास जब जंगल में बीरप्पन से मिलने जाता है तो बीरप्पन उसे घेर कर मार देता है। यही नहीं, उसका सिर काट कर उससे फुटबॉल खेलता है। हत्याकांड के बाद से सारे अधिकारियों में इसके लिए खौफ भर जाता है। इसके बाद इसने जंगल में रह रहे आम लोगों को भी निशाना बनाया, क्योंकि वो कहीं पुलिस के मुखबर तो नहीं। सरकार ने इसको पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई, मगर कोई भी टीम इसको पकड़ने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि उसके खबरी उसे पहले ही सूचना देते थे कि पुलिस आने वाली है, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता था। एक बार तो इसने पूरी पुलिस फोर्स को ही घेर लिया और बारूद से उड़ा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। सरकार ने थक हार कर इस पर 5 करोड़ का इनाम रखा। दोस्तों, इसका आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यही नहीं, इसने सन 2000 में साउथ इंडियन एक्टर राजकुमार को किडनैप कर लिया, और उसके बदले तमिल को कर्नाटक की ऑफिशियल लैंग्वेज की मांग रखी, और दूसरा अपने साथियों की रिहाई। के बाद 2002 में कर्नाटक के मंत्री एच.एन. नागप्पा को उनके घर से किडनैप कर लिया। 3-3 राज्यों की पुलिस भी उन्हें बचा नहीं पाई। अपनी मांग पूरी न होने पर बीरप्पन ने उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कर्नाटक के बहुत बड़े मंत्री थे। दोस्तों, अब ये इंडिया का सबसे खतरनाक डकैत बन चुका था, जिसको पकड़ना नामुमकिन सा लगता था। धीरे धीरे इसके लिंक विदेशी आतंकियों से भी हो रहे थे। दोस्तों, बीरप्पन जितना अपने कामों के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने मूंछों के लिए भी जाना जाता है। 18 अक्टूबर 2004 को अपनी आंखों की दवाई लेने के लिए जब वो शहर की तरफ आया, वो जिस एम्बुलेंस में बैठा था उसे एक पुलिस वाला ही चला रहा था। कुछ देर के बाद उसे घेर लिया गया, और 20 मिनट तक चली फायरिंग में बीरप्पन मारा गया। तो बीरप्पन के ऊपर रामगोपाल वर्मा ने भी एक फिल्म बनाई है, और यही नहीं, पुष्पा मूवी भी कहीं ना कहीं बीरप्पन से ही जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आपका बीरप्पन के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।